आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। औरंगाबाद मदनपुर प्रखंड के एरकी कला स्थित निर्माणधीन पंचायत सरकार भवन को मैखाना बनाने का आरोप मुखिया के पति पर लगा है। हालांकि मुखिया पति और सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश चौधरी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा कि यह सब राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। कहा कि पंचायत के कुछ लोग उनसे नियम के विपरीत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मांग रहे थे, उन्होंने नियम के विपरीत लाभ देने से इनकार कर दिया, संभवतः इसी कारण यह साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि निर्माणधीन पंचायत सरकार भवन की अभी चार दीवारी नहीं हुई है, काम भी पूरा नहीं हुआ है। इस स्थिति में वहां खाने पीने का काम कोई कर सकता है। उन्हें भी इस तरह की सूचना मिली थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि पुलिस यहां आई थी और पुलिस को वहां दो जिंदा मुर्गा और दो बोतल देसी शराब मिला है। मौके पर कोई मौजूद नहीं था। संभव है कि कुछ लोग वहां पार्टी की तैयारी कर रहे हों, लेकिन इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे विरोधियों ने ही यह सब साजिश रचकर इसकी सूचना पुलिस को दी होगी। वहीं मदनपुर थाना के दरोगा राम अवतार कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से मिली सूचना पर वो मौके पर गए थे। मौके से दो जिंदा मुर्गा तथा दो बोतल देसी महुआ शराब बरामद हुआ है। पुलिस ग्रामीण के आरोप की जाँच कर रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ऐसा कुछ मामला नहीं है। इससे पहले भी मेरे पत्नी 5 साल मुखिया रही है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और अभी भी वर्तमान में मुखिया है। वहाँ काम पंचायत सरकार भवन में चल रही है। वहाँ कुछ मजदूर रहते हैं और उन लोग वहाँ मुर्गा जो वगैरह जो पूछ है उन्हीं लोग का है। ये झूठों के फंसाने के साजिश किया जा रहा है। हमें कुछ इस बात के लिए जानकारी नहीं। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।